हेलो फ्रेंड, नेचुरोपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक है कि आप अपने ब्लड में जमा हुई गंदगी को कैसे बाहर निकालें, कैसे ब्लड को प्योरीफायर करें बिना किसी मेडिसिन की एक्यूप्रेशर पॉइंट चिकित्सा पद्धति से, उस पॉइंट पे प्रेशर दे करके और मैग्नेट थेरेपी सीट थेरेपी अप्लाई करके आप अपने ब्लड को प्योरीफायर कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर ब्लड हमारा साफ नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि स्किन डिजीज हो गई। स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो अगर हमारे ब्लड में कमी है तो ब्लड अगर क्लीन नहीं है, गंदगी जमा है, तो फिर हमारे फेस पे भी एक्ने होते हैं, पिंपल होते हैं, सोरियासिस की प्रॉब्लम हो गई, स्किन डिजीज हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं स्किन से रिलेटेड। तो आप अपने इन सारी प्रॉब्लमों को ठीक कर सकते हैं अपने ब्लड को प्योरीफायर कर करके। अगर आप अपने ब्लड को प्योरीफायर रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तो आपको इन सब प्रॉब्लमों को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि कहाँ पे है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे बॉडी में और सुजुक चिकित्सा के हिसाब से हमारे हाथों में। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि वो एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे बॉडी में कहाँ पर है जिस पे हम प्रेशर देंगे। तो हम आएंगे LI-11 एक्यूप्रेशर पॉइंट। LI-11 एक्यूप्रेशर पॉइंट, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे यहाँ पे होती है एल्बो के यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको इमेज में दिख रहा होगा। एग्जिट की लोकेशन कहाँ पे है उसका, इस पे प्रेशर देना है। और सेकेंड एक्यूप्रेशर पॉइंट SP10 एक्यूप्रेशर पॉइंट, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे लेग्स में होती है। ये दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों लेग्स में होगी, बायलेटरल होगा। तो और LI-11 भी बायलेटरल होगा, दोनों हैंड में एक्यूप्रेशर पॉइंट होगा। तो इन दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको प्रेशर देना है। आपको प्रेशर कैसे देना है कि आपको अपने थंब से 1 से 2 मिनट के लिए पर डे इस पे प्रेशर देना है, तब आपकी जो ब्लड में गंदगी जमा है वो क्लीन हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि हमारे सुजुक चिकित्सा के हिसाब से वो एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हाथों में कहाँ पर है। तो ये जो हमारा मिडल फिंगर दिख रहा है, मिडल फिंगर का ये जो सेकेंड ज्वाइंट है, सेकेंड ज्वाइंट के यहाँ पे एंड में स्लाइटली डाउन टूवर्ड्स थंब। और कैसे SP, ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट का नाम है, इसका नाम है SP10। तो जो SP10 एक्यूप्रेशर हमारे लेग्स में था वो मिडल फिंगर में कैसे हुआ, क्योंकि ये जो दोनों फिंगर्स है ये हमारे लेग्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो लेग्स को रिप्रेजेंट करती है, तो ये मिडल फिंगर में SP10 एक्यूप्रेशर पॉइंट होगा, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बायलेटरल होगा, दोनों मिडल फिंगर में करना है आपको। और सेकेंड एक्यूप्रेशर पॉइंट जो LI-11 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो हमारे इंडेक्स फिंगर के आउटर साइड में आएंगे, क्योंकि वो एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे आउटर साइड में है। तो उस हिसाब से इंडेक्स फिंगर जो ये है हमारे हैंड को रिप्रेजेंट करता है, ये फिंगर और ये फिंगर हैंड को रिप्रेजेंट करती है, ये इंडेक्स फिंगर और पिंकी फिंगर। तो इसके हिसाब से LI-11 यहाँ पे आएगा वो एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट आप देख सकते हैं, ये जो हमारी सेकेंड जॉइंट है ये एल्बो को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे इसके एंड में टूवर्ड्स थंब ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये भी बायलेटरल होगा, दोनों हाथों में टूवर्ड्स थंब इसको भी। तो ये दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पे करना क्या है आपको, कि हमको मैग्नेट थेरेपी के लिए ब्योर मैग्नेट चाहिए। ब्योर मैग्नेट जो एक साइड से येलो और दूसरे साइड से वाइट दिखता है, तो इसको क्या करना है कि आपको टेप पे लगाना है। टेप पे लगाने के बाद ये जो SP10 और LI-11 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने हाथों में बताया है, इस पे क्या करना है आपको कि उस पे लगाना है एग्जिट एक। ये आप जो स्किन को टच कराएंगे ये वाइट होगा, तो मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये SP10 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे लगा रही हूँ, ऐसे लगाना है आपको। और वैसे ही सेम LI-11 पे भी लगाना है, तो मैं इसको भी लगा के दिखा देती हूँ। ये भी बायलेटरल करना है आपको, दोनों हाथों में आप अप्लाई करेंगे इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को। आप देख सकते हैं जो LI-11 था उस पर एग्जैक्ट लोकेशन पे लगे। तो आप ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जो मैंने SP10 और LI-11 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे ये मैग्नेट थेरेपी अप्लाई किया है, ये भी बायलेटरल करना है आपको। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जहाँ पे मैंने ये मैग्नेट लगाया है ब्योर मैग्नेट, ये अपने हाथों में सुजुक चिकित्सा के हिसाब से जहाँ पे वो एक्यूप्रेशर पॉइंट आई है, तो इस पे आपको मेथी का दाना या तो फिर मूंग की दाल ले लीजिए। लगा के आप 4 से 5 मेथी के दाने को लगाने के बाद एग्जिट एक्यूप्रेशर पॉइंट पे लगा के आप इसको रख सकते हैं। दोनों ट्रीटमेंट आपको 6 से 8 घंटे के लिए करना है। आप रात को सोते टाइम पे लगा के रख दीजिए, तो ये जो आपके ब्लड में गंदगी जमा हुई है उसको क्लीन कर देगी आपको। या तो फिर जो मैंने बॉडी में एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ पे आया उसको ट्रीटमेंट देना है, या तो सिर्फ जो हाथों में आए उस पर करना है। जो मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताए हैं, आप अपने सूटेबल के हिसाब से चूज कर लेंगे कि आपको मतलब जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे बॉडी में जैसे कि लेग्स में और यहाँ पे एल्बो में है उसको ट्रीटमेंट करना है, या तो फिर आपके आपको जो मैंने ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया जो हमारे हाथों में है तो इसको ट्रीटमेंट देना है। तो आप जो भी ट्रीटमेंट करेंगे कंटिन्यू करेंगे,
अगर आपने हाथों में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये आपने चूज किया है, तो आपको क्या करना है कि पर डे आपको 6 से 8 घंटे के लिए लगाना है, रात को सोते टाइम पे लगा लीजिए। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं तो सीड थेरेपी के लिए आप इसमें मूंग और मेथी के दाना को 4-5 लगा लीजिए। फिर इसको अगर आपने सीड थेरेपी अप्लाई किया है तो आपको प्रेशर देना पड़ेगा इस पर, हर 20 मिनट पास 25 मिनट बाद इस पर प्रेशर देंगे, तभी ये पॉइंट एक्टिव होगा, तभी आपके ब्लड में जो गंदगी जमा हो गई है वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि क्लीन होने लगेगा। आपको जो स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी, ड्राई स्किन हो गई थी, फेस पे एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही थी, वो धीरे धीरे आपकी ठीक होने लगेगी। आपको अगर ब्लड क्लीन है तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो कमेंट में ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।